अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशी में होंगे और आनंद फरमा रहे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में, केआरसी ट्रैकिंग ब्लॉग में। तो अब जैसे कि आपको कल हमने लास्ट में ब्लॉग में दिखाया था कि हम नूरपुर की एक होटल में खाना खा के हम सो गए थे। उसके बाद वहाँ से अभी सुबह हुई है, सुबह अभी फ्रेश व्रेश हो के वहाँ से चले हैं, थोड़ी ही आगे आया हूँ अभी और धीरे धीरे चल रहे हैं यहाँ से। तो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप कैसे होने वाला है आज का दिन का। दोस्तों इधर थोड़ा फोर लेन का शायद काम चला हुआ है, तो आगे अपनी 34F5687 चल रही है और पीछे पीछे चल रहा हूँ मैं। और तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अपने लोडिंग पॉइंट पे, कुछ जहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पे हमारी थोड़ा सा आगे गाड़ी अपनी लोड होगी। और अपनी गाड़ी लगा दी है यहाँ पे और अभी देखते हैं। असलम बोल रहा है कि साथ जाओ गाड़ी खाली करने मेरे साथ, इसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे खाली होगी वहाँ पे, तो देखते हैं, मान नहीं रहा, अब देखते हैं अगर जाएंगे तो। तो अपना उस्ताद जो है मक्खन सेठ अपना रहेगा गाड़ी के पास, इधर आराम फरमाएगा, वहीं पर सो जाना और उसको लॉक कर देना। ओके दोस्तों, यहाँ से अंदर से लोडिंग करेंगे हम अभी थोड़ी देर में, अभी जरा असलम के साथ जाके आते हैं गाड़ी अनलोड करा के, देखते हैं कहाँ पर हो गया गाड़ी अनलोड। दोस्तों कुछ ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क की हुई है जहाँ पे खाली होगी, यहाँ पे चर्च के सामने खाली होगी लेकिन अभी तक खाली हुई नहीं है। और हम बैठे हैं आराम से और असलम सो रहा है और अभी शायद खाली करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों वहाँ पे गाड़ी खाली नहीं होनी थी, कोई इनका स्टोर है कुछ साइड में आके, 5-6 किलोमीटर साइड में आके वहाँ पे आए हैं स्टोर में, तो यहाँ पे शायद इनकी गाड़ी खाली होगी, यहाँ पे स्टोर है थोड़ा, इन्होंने वहाँ से डाले पर और माल भी रखा है कोई, यहाँ पे आए हैं गाड़ी लगाई है अभी, शायद इस जगह कहीं साथ में इधर खाली होगी, लेबर वाले बंदे भी साथ में आए हुए हैं। तो दोस्तों अंदर जहाँ पे गाड़ी अनलोड करनी है वहाँ पे आ चुके हैं अभी, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी अनलोड हो रही है अपनी। आपको एक ये जो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी अनलोड हो रही है, पीछे बार लगे हुए हैं गाड़ी अनलोड करने, तो इधर बैठे। तो दोस्तों वहाँ से असलम की गाड़ी खाली करके हम आ चुके हैं अभी जहाँ पे अपनी सुबह गाड़ी हमने पार्क की थी, तो वहाँ बीआरओ के पास अंदर गए थे हम और यहाँ पे कैंटीन है, उसमें चाय वाय पीने आए थे अभी। तो आगे है हमारी कैंटीन, ये सामने वाली कैंटीन है, सामने यहाँ पे कैंटीन में अभी फिर जाएंगे गाड़ी के पास। एक हमने वहाँ से शॉपिंग की है, एक तिरपाल खरीदी है ब्लोर तिरपाल, और उसको डालेंगे अभी गाड़ी के ऊपर जो जो सामने गाड़ी में पड़ा हुआ है, यह सब तिरपाल है वो डालेंगे हम गाड़ी में, थोड़ा ठंडा हो जाए। दोस्तों यहाँ पहुँच गया चाय बेरी अभी ढाबे पे, तो ये बिस्कुट खाने को कहते नहीं रखे लेकर लेने, ठंडा भी दे दे चाय में, पर चाय बैठा है भाई, ये बंदा शरीफ है हमारे दोनों में, बहुत ज़्यादा शरीफ है, देखो इसकी शरीफी ना इसके चेहरे पे झलक रही है, आपको दिख रही होगी। सो दोस्तों आज संडे था, संडे करके हमारी गाड़ी नहीं लोड हुई है, तो हम यहीं पठानकोट में हैं और सुबह हमारी गाड़ी लोड होगी। और असलम की गाड़ी थी जो उनको हम अनलोड करके वहां से आके इधर आ गए थे, और रास्ते में हमने तिरपाल ली क्योंकि मेरी गाड़ी की तिरपाल थोड़ी फटी हुई थी, इस करके दो कपड़े की तिरपाल थी, हमने एक ब्लोर लाया तो अभी उसको डाल रहे थे, वो डाला दिखा नहीं पाए क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया था और गर्मी बहुत थी, तो उसको डाल के भी फ्री हुए और हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के अभी यहाँ अंदर मैस में आए हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद गाड़ी में चलेंगे, पानी वगैरह भरेंगे, ठंडा पानी कूलर है, पानी की सुविधा तो यहाँ पे अच्छी है, पानी वगैरह भर के उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे, अभी खाना खाते हैं। तो दोस्तों ये आ चुका है अपना खाना, ये सब्जी है, किस चीज़ की सब्जी है इसमें, ये घिये लग रहे हैं मेरे को, घिये और इसकी सब्जी है और ये रोटी साथ में ड्यू, वो रहा इंसान जो है अकेले में बैठा हुआ इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ खाना है और गाड़ी में सो जाना है।
सो दोस्तों खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं अब गाड़ी में, और गाड़ी में कूलर कर दिया हमने ऑन क्योंकि यहाँ पे है गर्मी और दिन को गाड़ी जो है धूप की तरफ लगी हुई थी अपनी, तो उस करके अंदर कैबिन थोड़ा गर्म हो गया है, तो भी ठंडा होने में थोड़ी देर लगेगी। कूलर में पानी वगैरह डालते हैं और कूलर कर देते हैं ऑन, और सभी को गुड नाइट। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी हमारा साथ दें। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कैसा नहीं उसको भी कमेंट में अपनी राय दें।